बढ़ते आगे, प्रदेश की शिवराज सरकार गरीब परिवारों के घर का सपना पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में प्रधानमंत्री आवास योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। अपना घर हो, घर पर पक्की छत हो, ये सपना हर किसी का होता है और इस सपने को साकार कर रही है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। प्रदेश में मुखिया शिवराज के निर्देशन में प्रधानमंत्री आवास योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे गरीबों को पक्की छत मिली है तो उनके जीवन स्तर में अच्छा खासा बदलाव आया है। पहले कच्चे मकान में रहते, बहुत मुसीबत रहती है। अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, ये कुटी नहीं है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छा काम है उनका। अरे भाई, तो मजूरी करते कहाँ से मकान बनवा पा, अब मतलब सही है। साल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई, जिसके बाद से अब तक लाखों परिवारों के घर का सपना पूरा हुआ है। सागर जिले में हितग्राहियों ने योजना का लाभ लेकर आशियाना बनाया और वो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद दे रहे हैं। कच्चे मकान में रहते, पक्को बनवा दा मोदी जी ने, सरपंच जी ने, सांप गोहरे घुसते थे, बहुत परेशान आते लड़का बच्चा, सब सही हो गए, अब सही है, पक्को बनवा सही है। हाँ, अब जो होगा ओके, अब अच्छे रियल लगी, पेड़ कच्चे में रहते, बिच्छू करते, सांप करते, अब अच्छी रह रहा है। कच्चा मकान था सर, और ऐसे टटियों के मकान में रहते हम लोग, पानी आनी बेहद, तो यहाँ पे बहुत खाना आना नहीं बना पाते, छोटे छोटे बच्चा थे हम लोग। कितने साल से कच्चे मकान में रहते हैं? हमारी तो शादी भाई से हमें कच्चे मिलो तो, और बॉय भी नहीं मिलो तो टटिंग बांध के रहते हमारे तो। अब कैसा लग रहा है आपको? अब मकान बन गया उसको अच्छा ही लग रहा और का। योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरना होता है और उसके बाद उनके खातों में सीधे राशि ट्रांसफर होती है। प्रधान, पहले तो बहुत दिक्कत थी, कच्चे मकान थे टोटल 100%, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना चली तब से ऐसे कि अपन ने सबको समझाया और उनके फार्म आराम भरवाए और कुटीर भी दिलवा दी। अब ये मान के चलो कि 25-30-35% अपने यहाँ कुटीर बन चुकी है लगभग, यहाँ बिल्कुल माने जी मान के चलो कि 99% गरीब लोग हैं, मजदूरी वाले टोटल मजदूरी वर्ग है। सागर के ग्रामीण अंचलों में 56,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 80% से ज्यादा घर बनकर तैयार हो गए हैं। सागर जिले में वर्ष 16 से लेकर के अभी तक जो है लगभग 1,56,000 मकान हमारे स्वीकृत हुए हैं, और इन मकानों से लोगों को बहुत राहत मिली है। कई ऐसे लोग थे जिनको रहने के लिए बिल्कुल झोपड़ियां थी और वो भी मतलब ठीक ढंग से नहीं थी, मकान मिलने से आज वो पक्के मकान में रह पा रहे हैं और अपने आप को मतलब कथार समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश खुशहाल है, नागरिकों का हर सपना पूरा हो रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार में उन्हें घर मिला, राशन मिला, बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी हुई, और तो और हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन का बुजुर्गों का सपना भी पूरा हुआ। इस सब के लिए प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंचल न्यूज़।